गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप देख ही सकते हैं कि हम नए रूप में नए तरीके से आपके सामने आए हैं। सिर्फ हमारा लुक ही चेंज नहीं हुआ, हमारे उपाय, हमारी चीजें, आपकी प्रॉब्लम को देखने का तरीका, आपकी भेजी हुई मेल्स के मुताबिक बनाए गए रिसर्च पर उपायों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारे उपायों से वैसे ही फायदा होगा जैसे होता रहा है, हम शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। पैसा, नौकरी और शुभ काम से जुड़े 3 महा उपाय जानिए। मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करने के टोटके, साख बढ़ाने वाला, हर काम में सफलता दिलाने वाला श्री यंत्र। राशि के हिसाब से जानिए कल की लकी टिप, आपका भाग्य को बढ़ाएगा। आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। आज कौन सा दिन है? सैटरडे है ना, तो शनिवार के दिन हनुमान जी की कृपा कैसे पानी है आपको आसान तरीका बताऊंगी। और आपको बता दूं कि रोज मैं आपके लिए 3 महा उपाय लेकर आऊंगी। 2 महा उपाय मैं आपको शो के स्टार्टिंग में बताऊंगी, 1 मैं आपको शो के एंड में बताऊंगी, और बीच में मैं ढेर सारी आप ही की भेजी हुई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जोड़ के इसको प्रवेश करूंगी आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं पहले महा उपाय से, जो कि है पैसे से रिलेटेड। सुबह सुबह नहा धोकर गणेश जी की मूर्ति या फोटो के सामने आप बैठ जाएं, लाल रंग के फूल गणेश जी को चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, उसके बाद में गणेश जी के नामों का पाठ करें। पान के पत्ते पर 2 लड्डू रखें, रखकर गणेश जी को भोग लगाएं और जल अर्पित करें, उसके बाद धन प्राप्ति की कृपा करें। ये आपको शुरुआत करनी है बुधवार से, और फिर लगातार 11 बुधवार करने हैं, आपको कोई ना कोई फाइनेंसिस के लिए गुड न्यूज जरूर मिलेगी। जानिए नौकरी दिलाने वाला महा उपाय शनिवार यानी कि आज। 1 मीटर काले कपड़े में 1 किलो साबुत उड़द की दाल, 1 किलो कोयला बांध लें, फिर 21 बार अपने ऊपर। नौकरी दिलाने वाला महा उपाय शनिवार यानी कि आज। 1 मीटर काले कपड़े में 1 किलो साबुत उड़द की दाल, 1 किलो कोयला बांध लें, फिर 21 बार अपने ऊपर से घुमाने के बाद इसे बहते पानी में बहा दें। ऐसा करने से आपके मन में हनुमान जी के लिए प्रे करते हुए जॉब के लिए बोले, आपको जॉब जल्द मिल जाएगी। आज मैं आपको एक बहुत ही खास यंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। आप जानते तो हैं, लेकिन समझेंगे आज क्या खास करता है वो यंत्र, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सैटरडे के दिन आप हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ताकि शनि देव भी शांत रहें और हनुमान जी की कृपा मिले, ये खास कनेक्शन समझिए। जिस जिस फील्ड में शनि आपको प्रॉब्लम देता है, जैसे मुश्किलें दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पापों का भुगतान कर रहे हैं आप, आपकी लड़कियों की शादी में दिक्कत आ रही है, अच्छे मनपसंद लड़के नहीं मिल पा रहे हैं, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, नव ग्रहों की और दोष आपको आ रहे हैं, पूजा कैसे करनी है? पान के पत्ते, माला और तुलसी आपको चढ़ानी है हनुमान जी को, उनके चरणों में सिंदूर कुमकुम अर्पित करना है, हनुमान स्त्रोतम बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा करते हैं तो 5 बार करें। हनुमान चालीसा का जो भी इंसान सनसेट के समय कम से कम 3 बार पाठ करता है, उसको जिंदगी में लोग अपयश नहीं दे पाते। अपयश समझ रहे हैं कि डिफेमेशन नहीं मिल पाता उसकी जिंदगी में, उसकी मेमोरी, उसकी बुद्धि तेज होती चली जाती है। मैं आपको जल्दी राशियों के बारे में बताने वाली हूँ, कैसे आप अपनी राशियों को अपने हिसाब से लकी बना सकते हैं। कल एक लकी टिप कर पूरा दिन आपका बेस्ट रहे, इसलिए आपको आज ही बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको उस खास यंत्र के बारे में बताती हूँ। उस यंत्र का नाम है सूर्य यंत्र, जो आपकी सारी परेशानियों को कर देगा छुमंतर। ये जो यंत्र है इसका नाम है श्री सूर्य यंत्र। ये आपको यश, प्रतिष्ठा, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में सफलता दिलाता है। हड्डियों और हेल्थ की, स्पेशली हार्ट की दिक्कत के लिए आपको बहुत फायदेमंद है। इस यंत्र की आपको स्थापना करनी है। कैसे करनी है? यंत्र को आपको भोजपत्र बटर पेपर पर अनार की कलम से, केसर की रोली से बनाए, अनार की पेड़ की डंडी तोड़ ले, हल्का सा शापन कर ले, केसर में भिगोए और बना ले, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद इसको आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको ताम पात्र यानी कि कॉपर पर भी बना सकते हैं, इसको स्थापित करा लीजिए, हाथ में लेकर रोज सूर्य मंत्र करके जाप करें। इसको ईस्ट में घर की लगा दीजिए, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम रुक रहा हुआ हो, आपका बॉस आपको तंग करता हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन ना हो रहा हो, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, हड्डियों में आपको दिक्कत हो, ये सारी परेशानियां हो जाएंगी छुमंतर। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी राशि के हिसाब से कल यानी कि टुमारो को कैसे लकी बना सकते हैं।
लेकिन जल्दी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ लकी टाइम, यानी कि उस समय आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपके मन की धारणा है वो जरूर पूरी होगी। लकी टाइम जल्द लाऊंगी, लेकिन पहले लकी टिप सुनिए। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। आप लोगों को लेदर से बनी कोई भी चीज गिफ्ट ना लेनी है ना देनी है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। वृष राशि वाले लोगों को आज के दिन उड़द की दाल जरूर खानी है। अगर आप वेजिटेरियन खाते हैं या हैं तो बहुत अच्छी बात है। वृष राशि वाले लोग अगर वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वेजिटेरियन नहीं भी हैं तो आप कम से कम उड़द की दाल बिल्कुल ना खाएं कल। मिथुन राशि वाले लोग अपने सेवकों को, एज एन सेवक मतलब जो आपकी आपकी मदद करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपका काम करते हैं, उन्हें पकौड़े और दूध की चाय पिलाएं, आपका दिन परफेक्ट रहेगा। कर्क राशि वाले लोग हरे रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहने, खास तौर पे कल के दिन। कल जानते हैं हम किस बारे में बात करेंगे। कल हम बात करेंगे संतरे के बारे में। कैसे घर का संतरा जो आपकी फ्रिज के ऊपर यूं ही पड़ा रहता है, इतने काम की चीज है, आपको कल पता चलेगा। जी हाँ, कल बताऊंगी, आज बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी कि अपने बाग बगीचे में, लॉन में, गमलों में ऐसा क्या रख दें कि आपके घर मच्छर आने कम हो जाए, थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उन रंगों की जो दिलाते हैं आपको सक्सेस। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि उत्तर मुखी है, तो आप व्हाइट पेंट कराएं, इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग है तो आपको घरों में व्हाइट पेंट कराना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट है तो भी व्हाइट एंड ब्लैक करा सकते हैं, आप सिल्वर गेट भी करा सकते हैं, इससे बच्चों की तरक्की होती है, लाइफ में प्रॉफिट्स ज्यादा बढ़ते हैं। आपका घर ईस्ट फेसिंग है अगर, तो अपने घर पे एंट्री पे खूब सारे पेड़ पौधे रखें। आप अपने घर की ईस्ट फेसिंग पे वुडन ब्राउन कलर का दरवाजा भी बना सकते हैं, लाइट ग्रीन, ब्राउन, इस तरह के कलर्स को यूज करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा रहेगा, सोशल कनेक्शन अच्छे रहेंगे, पैसा कमाएंगे बुद्धि से। अगर आपके घर की साउथ फेसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले, ईस्ट फेसिंग है अगर आपकी तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, नॉर्थ फेसिंग है तो ब्लू। अब हम रंगों की भी बात करें, अगर पर्पल रंग भी यूज करना है तो वेस्ट फेसिंग होनी चाहिए, इससे आपके करियर में ग्रोथ होगी। तीनों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रंग करने से करियर में ग्रोथ होगी। अगर आपके घर की साउथ वेस्ट एंट्री है तो आप अपने घर में या घर के बाहर या घर के दरवाजे पर बेज, येलो या गोल्डन कलर का प्रयोग करें, इससे रिश्तों में स्टेबिलिटी आती है, लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट फेसिंग है तो आप ब्राउन कलर के पेंट करवा सकते हैं, इससे आपकी हेल्थ और लंबी उम्र होगी। अगर सिर्फ साउथ फेसिंग है अगर आपकी, तो आप ब्राउन या रेड कलर करा सकते हैं, इससे जिंदगी में आपकी ग्रोथ होगी, यश बढ़ेगा। अभी आपको बाकी 8 राशियों के बारे में बताने वाली हूँ ताकि कल का दिन हो जाए सुपर लकी। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि आपके बगीचे में लगाना क्या है जिससे मच्छर आपको तंग करना बंद कर दे। अगर आप अपने घर में गेंदा लगाते हैं तो आपके घर में मच्छर आने कम हो जाते हैं, साथ ही लिवर स्टोन और स्किन की प्रॉब्लम्स में भी आपको राहत मिलता है। घर में अगर रात की रानी लगाते हैं तो मच्छर दूर रहते हैं, साथ ही इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। घर में सनफ्लावर लगाते हैं मच्छर कम आते हैं, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, मच्छर तो कम होते ही होते हैं, हेल्थ पर भी कौन से पौधे सिर्फ लगा देने से भी वास्तु की नजर से क्या असर डालते हैं, ये खास जानकारी आपके लिए। मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी ही देर में कि किसी का तिल देखकर आप कैसे उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले बची हुई राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग झूठ कल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वैसे तो झूठ आप लोगों के लिए बोलना एक कला है, लेकिन कल जब इसका प्रयोग करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए कल के दिन झूठ आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। कन्या राशि वाले लोग अपने घर में पुरानी और इस्तेमाल में ना आने वाली चीजों को इकट्ठा कर कल उनको किसी न किसी को दे देंगे। तुला राशि वाले लोग अपने जूते और गाड़ी का ध्यान रखेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत उनको ना हो जाए। वृश्चिक राशि वाले, उपहार अगर आपको कल कोई गिफ्ट देता है उसको बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मैं आपको कल बताऊंगी कि आपका बरसों पुराना दर्द कैसे गायब हो सकता है सिंपल से उपायों से, लेकिन ये मैं आपको कल बताऊंगी। थोड़ी ही देर में मैं आपको बाकी राशियों की भी जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले एक खास सिंबल की बात करते हैं। आपको क्या खास सिंबल बनाना है, कैसे वो सिंगल सिंबल आपकी किस्मत बदलेगा समझिए।
आपको क्या करना है कि घर की तीन इम्पोर्टेंट चाबियों को एक रिंग में डालकर अपने पास रख लेना है। रिंग में कोई और लटकर ना हो इस चीज का ध्यान देना है। गुड लक के लिए चाबी आपके साथ ही रहने चाहिए। और एक गुड लक टिप सुनिए, घर में डॉल्फिन की तस्वीर की पेंटिंग लगाएं, इससे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। कहाँ लगानी है? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में लगानी है। यू जंप करती हुई, डाइव करती हुई है पानी से निकलती हुई डॉल्फिन आपके घर में खुशियों की बरसात लेकर आ सकती है। कौन सा तेल कहाँ लगाएं, क्यों लगाएं, कैसे लगाएं कि आपको फायदा होगा, थोड़ी ही देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके तिल की बात करते हैं। अगर किसी मेल के चिन पर राइट सेंटर में लाइट ब्राउन कलर का तिल हो तो वो व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान होता है। और क्या होता है ये जानिए, ऐसे लोग सही गलत के फैसले में जल्दी फैसला करते हैं। अगर फीमेल की चिन के सेंटर में तिल हो तो ऐसी फीमेल्स जो हैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा नहीं होता, उनको उतना प्यार नहीं मिलता जितनी वो उम्मीद करती हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होता है। ऐसी फीमेल्स को चाहिए कि वो किसी की भी सलाह लेकर काम करे और साथ में चंद्रमा के उपाय करे, जैसे पूर्णिमा के दिन अपने मदर से मिले या उनके पैर जरूर छुए। अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, आपके नहीं है तो आपके घर में बड़े बुजुर्गों के तो हैं। रिंकल्स को कैसे गायब करेंगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खास ऑयल्स, कुछ खास तेलों के बारे में बताती हूँ, इससे आपका क्या भला होगा, ध्यान से सुनिए। कार्डमम ऑयल यानी कि इलायची का तेल, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये इत्र बाजार में आसानी से मिलते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप यहाँ पर और कान के पीछे करते हैं तो आपकी टेंशन स्ट्रेस दूर होती है, आपके दिमाग की क्षमता और ज्यादा बढ़ती है। इलायची का तेल आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी नसों को ताकत भी देता है। अब मैं आपको दूसरे तेल के बारे में बताती हूँ। इसी तरीके से पिपरमेंट ऑयल, पिपरमेंट जो हम खाते हैं मेंथॉल, उसका ऑयल भी आता है। पिपरमेंट का ऑयल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके ब्रेन शार्प होता है, अलर्ट होता है। लगाना कहाँ है ध्यान से सुनिए। आपकी गर्दन के ऊपर जो ये आपकी गर्दन की हड्डी है ऊपर जाती है, इसको टच करेंगे तो यहाँ पर एक गद्दा होता है। यहाँ पर अगर आप पिपरमेंट का ऑयल लगाकर 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बच्चे के दिमाग पर यहाँ पर इस गद्दे पर लगाकर बच्चे को भेज देते हैं, एग्जाम में एक शब्द नहीं भूलेगा। और अगर आप डेली बेसिस पर लगाते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाएगी। अभी मैं आपको कुछ ही देर में राशियों के लिए बताने जा रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना कि मैं राशियों के साथ साथ आपको कल से लकी टाइम भी दूंगी। लकी टाइम देने से फायदा क्या होगा? गर्लफ्रेंड को फोन मिलाना है, बीवी को मनाना है, जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, शादी के लिए फोन करना है, पैसे वापस मांगने हैं या लेने हैं, अपने दिन का सबसे जरूरी काम अगर आप उस समय पर करते हैं तो वो निश्चित होगा। टाइम तो मैं आपको दे ही दूंगी, लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप्स की बात करते हैं। चेहरे और गर्दन पर अगर आप पपीते का पल्प लगाते हैं तो आपकी स्किन ब्यूटीफुल होती है, रिंकल्स उसके खत्म होते हैं। इसी तरह पाइनएप्पल का कोर यानी कि जो बिल्कुल सेंटर का भाग है, उसको अक्सर हम फेंक देते हैं, वैसे हार्ड सा होता है ना, उसे आप पीस कर चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे की झुर्रियां दूर होती हैं। 2 चम्मच मैदे में ऑलिव ऑयल मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाते हैं और 2 घंटे बाद धो देते हैं तो चेहरे की झुर्रियां खत्म होने लगती हैं। आप देख रहे हैं मेरे अपने कुछ पेपर्स हैं, ये पेपर्स आपकी परेशानी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप कैसे पकड़ सकते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपको सिखाती हूँ। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी बीवी को, सबको बोले आज आपको आई लव यू लिख के देंगे, व्हाट्सएप पे या मैसेज पे नहीं, हाथ से। अब जब वो आई लव यू लिख के देंगे तो लव के अंदर ओ आएगा, बस ये ओ देख लीजिए। अगर ये ओ में लूप राइट हैंड साइड पर है, सिंगल लूप है लेकिन राइट हैंड साइड पर है, देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर लूप है, मतलब अंदर ही गोला बन रहा है ओ के अंदर, राइट हैंड साइड पे गोला, अंदर राइट हैंड साइड पे गोला, तो मतलब इंसान सीक्रेटिव है, अपने भेद आपको नहीं देता। अगर आप देखें कि लव के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ओ बनता है तो ऐसे लोग महा झूठे होते हैं। अगर आप देखें कि लेफ्ट पर रूप बनता है और राइट पर भी लूप बनता है लेकिन लेफ्ट की तरफ ज्यादा लूप बनता है तो ऐसे लोग भी हमेशा झूठ बोलते हैं। 2 लूप झूठे, राइट की तरफ लूप पेट में बात जरूर से ज्यादा पचाने वाले। अब अगर आप देखें कि किसी का जो लूप है वो लेफ्ट हैंड साइड पर बनता है, राइट पे नहीं बनता, तो ऐसे लोग जो है ये खुद को ही धोखा देते हैं, अपने सामने कोई भी घटना घटती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और अगर किसी का ओ आपको खुला दिख जाए ऊपर से,
तो ऐसे इंसान पेट में कोई बात नहीं पचाते, ऐसे लोगों से कभी जिंदगी में कोई सीक्रेट शेयर मत करना। आपको समझने का सिंपल फंडा समझाती हूँ। ओ मतलब आपका पेट, सीधे हाथ की तरफ पेट में गोला बनता हो तो पेट में बात पचाते हैं, उल्टे हाथ की तरफ बनता हो तो धोखा देते हैं, दोनों तरफ बनता हो झूठ बोलते हैं, खुला रहता हो तो पेट में बात नहीं पचती। ओ यानी कि इंसान का पेट, सच बोलने की क्षमता। तो अब आप किसी का आई लव यू देख के फट पकड़ लेंगी कि वो वाकई प्यार करता है या करती है कि नहीं। कोई खास काम करने जाते हैं, काम बनता नहीं उल्टा बिगड़ जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये हुआ क्या? अब समझ में आएगा, क्योंकि आपके बिगड़े काम बनाने के लिए लास्ट में मैं आपको बहुत ही बढ़िया महा उपाय दूंगी। लेकिन उससे पहले चार राशियों को लकी बनाने के लिए कल क्या करना है जानते हैं। धनु राशि वाले अगर शराब पीते हैं तो कल तो देखिएगा भी मत, नहीं तो सारे काम उल्टे बनेंगे। मकर राशि वालों को सूर्यास्त के बाद, कल सूर्यास्त के बाद खाने या पीने की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा। कुंभ राशि वालों को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कल के दिन नहीं करना है। मीन राशि वालों को किसी न किसी को कल के दिन हेल्प जरूर करनी है। कैसे हेल्प करेंगे? कल किसी गरीब को कोई कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, जितनी आपकी क्षमता है उसको पढ़ने लिखने का सामान दें, आपकी रुकावटें ईश्वर दूर करेगा। अब वो खास तरीका जानिए जिससे आप और हम कर सकते हैं बातचीत। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। 150 शब्दों में प्रॉब्लम डेट टाइम प्लेस के साथ भेज दीजिए। नहीं है चेहरा, हैंडराइटिंग और साथ में अपनी हथेली की फोटो भेज दीजिए। साथ में आप अपने वीडियोस भी हमें भेज सकते हैं। कौन से उपाय से क्या फायदा हुआ बताइए, और अगर हमें आपको लगा बहुत फायदा हो रहा है तो हम सबके साथ शेयर करेंगे आपका वीडियो। आज हम फैजाबाद से काव्यांजलि का सवाल लेते हैं। काव्यांजलि पांच सिस्टर्स में सबसे बड़ी हैं। घर में खूब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। किसी से रिलेशनशिप है पर वो शादी के लिए कमिट नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, जुडिशियल सर्विसेज में आगे। आज हम फैजाबाद से काव्यांजलि का सवाल लेते हैं। काव्यांजलि पांच सिस्टर्स में सबसे बड़ी हैं। घर में खूब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। किसी से रिलेशनशिप है पर वो शादी के लिए कमिट नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, जुडिशियल सर्विसेज में आगे बढ़ना चाहती हैं। काव्यांजलि से बात करते हैं। काव्यांजलि अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में या पुखराज पहन ले या गोल्ड का ज्वाइंटलेस बैंड पहन ले। इसके अलावा डेली अपने माथे पर और इधर रिब्स के बीच में आपको केसर का तिलक लगाना है। तीसरी चीज, जिस लड़के से आप प्यार करती हैं उसकी एक फोटो को छुपाकर घर में नॉर्थ वेस्ट में रख दें और एक फोटो को छुपाकर साउथ वेस्ट में चिपका दें। एक को रखना है, एक को चिपकाना है, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए आप एक काम कर सकती हैं, छोटा सा वाटर फाउंटेन अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में लाके रख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो तीसरा महा उपाय जानते हैं जो आपके हर बिगड़े काम को बनाएगा। घर से निकलते समय हाथ में थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल ले लें। ध्यान रहे दाल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जिस जगह काम पर जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचते ही उनके गेट पर उसको फूके और जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ उसको बोले। मंत्र है ओम श्री ह्री सर्व विघ्न विनाशद सर्व कार्य सिद्धम नमः। इस मंत्र का जाप करना है, गेट से निकलकर, अपने गेट से निकलकर उनको वही फेंक देना है और थोड़ी सी बचाकर रख लेनी है, फिर जहाँ जाना है बाकी को वहाँ पे डाल देना है। अब जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बन जाएगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का। कल मैं आपको बताऊंगी संतरे के फायदे, आपको बताऊंगी माँ बेटे से जुड़े शगुन अपशगुन, आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी परेशानियां हो सकती है सॉल्व अगर आपका बरसों पुराना दर्द हो जाए खत्म। ढेर सारी जानकारी, तीन महा उपाय और लकी टाइम हर राशि के लिए कल से आपके पास आएगा। कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, सबको प्यार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।